क्या है दोस्तों वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन और इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने आप लोगों को वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में सिखाया था जिसे यूज़ करके हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स को जितनी बार चाहते हैं उतनी बार रिपीट कर सकते हैं तो एक और लूप है जो सी प्रोग्रामिंग पे अवेलेबल है वो है फॉर लूप इस फॉर लूप को भी यूज़ करके हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो यहाँ पे इस फॉर लूप को यूज़ करने के लिए पहले हम लोगों को फॉर कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद पैर ऑफ़ पैरंथीसिस और उसके बाद पैर ऑफ़ कर्ली ब्रेसेस तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग उस स्टेटमेंट को राइट करेंगे जिसे हम बहुत बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और यहाँ पे इस फॉर लूप के सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है वाइल और वाइल लूप से यहाँ पे इस पैरंथीसिस के अंदर तीन पार्ट होता है पहला पार्ट है इनिशलाइजेशन और उसके बाद सेमिकोलन डालना पड़ता है और उसके बाद दूसरा पार्ट है कंडीशन उसके बाद सेमिकॉलन और उसके बाद अपडेशन यहाँ पे इस इनिशियलाइजेशन पार्ट पे हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं जिसे हम इस फॉर लूप पे यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन पार्ट होगा इस कंडीशन पार्ट में हम लोग एक, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसा कि वाइल और डू वे लूप के जैसा इस एक्सप्रेशन अगर ट्रू पे रिज़ल्ट करता है तो इस फॉर लुप के स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये एक्सप्रेशन और एक कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होना स्टॉप करेगा और उसके बाद होता है ये अपडेशन पार्ट यहाँ पे इस अपडेशन पार्ट पे हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा और मैं उसे नाम दूँगा काउंटर और यहाँ पे इस प्रोग्राम पे हम लोग एक फॉर लूप को यूज़ करके लर्निंग लैड रॉक्स को 10 बार प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को लूप को यूज़ करने के लिए फॉर कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद पैर ऑफ़ पैरंथीसिसिस और पैर ऑफ़ कर्लिब्रेस यहाँ पे इस पैरंथीसिस के अंदर पहले हम लोगों को इनिशियलाइजेशन पार्ट को लिखना पड़ता है तो यहाँ पे मैं अपने इस काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करूँगा इसलिए मैं लिखूँगा काउंटर इक्वल टू जीरो और उसके बाद सेमी कॉलन डालना पड़ता है इस सेमी कॉलन डालने के बाद हम लोगों को कंडीशन पार्ट लिखना पड़ता है यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन ये डिसाइड करेगा कि क्या इस लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तो इस लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे नहीं तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंटर लेस देन नाइन और आप चाहे तो इसे एक पे इनिशलाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू टेन लिखूँगा आप जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद हमें एक सेमी कॉलन डालना पड़ता है और उसके बाद हम लोगों को अपडेशन पार्ट लिखना पड़ता है तो यहाँ पे हम लोग इस लूप uh, को दस बार रन करना चाहते हैं तो हमारे ये जो कंडीशन है ये चेक करता है कि क्या काउंटर के वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टेन है तो इस, इसलिए हम लोग इस काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंटर प्लस प्लस यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस जो है ये इस काउंटर के वैल्यू को एवरी टाइम एक इंक्रीमेंट करेगा अगर आप लोग इसे Uh, कुछ ज़्यादा वैल्यू से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप एवरी स्टेप पर दो वैल्यू से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग काउंटर प्लस इक्वल टू टू बी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग काउंटर प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद इस कर्लीब्रेसिस uh, के अंदर हम लोग वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिसे हम इस लूप पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को राइट करेंगे और यहाँ पे हम लोग uh, इस uh, काउंटर के वैली को प्रिंट करेंगे पहले उसके बाद एक एरो डालूंगा मैं और उसके बाद मैं लिखूंगा लर्निंग लैड रॉक्स ठीक है और उसके बाद हम लोगों को हमारा हमारा काउंटर वेरिएबल को रेफर करना है इसलिए मैं लिखूंगा काउंटर तो अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूंगा और आप लोग यहां पे देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और दस बार ये लूप रन हो गया है और इसने लर्निंग लैड्रॉक्स को प्रिंट किया है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फॉर लूप एन, एनकाउंटर हो जाएगा तभी ये इनिशलाइजेशन पार्ट जो है ये सिर्फ़ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है मेरा मतलब है कि इस पार्ट ये काउंटर इक्वल टू वन यहाँ पे जो इनिशियलाइज हुआ है वो सिर्फ़ एक ही बार होता है जब हमारे ए फॉर लूप एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और उसके बाद ये कंडीशन चेक किया जाएगा क्या काउंटर के वैल्यू 10 से लेस है यहाँ पे यह एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है और उसकी वजह से अभी जो भी स्टेटमेंट्स इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है उस सबको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल सीधा यहाँ पे इस अपडेशन पार्ट पे आता है और इस काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता है अभी हमारा काउंटर वेरिएबल टू कंटेन करेगा तो उसके बाद ये इनिशलाइजेशन पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसे इंक्रीमेंट करने के बाद डायरेक्टली ये कंडीशन चेक किया जाता है क्या काउंटर के वैल्यू अभी 10 से कम है यहाँ पे 2 है और ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर से यहाँ पे अपडेशन पार्ट पे आ जाएगा काउंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा तीन बनेगा और फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा और ऐसे ही ये लूप रन हो जाएगा जब इस काउंटर का वैल्यू 11 बनता है तभी यह एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है और हमारा प्रोग्राम इस लूप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना बंद करता है और बाकी जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे इस फॉल लूप पे अगर आप लोग मोर देन वन वेरिएबल्स को इस इनिशलाइजेशन कंडीशन और अपडेशन पार्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक और वेरिएबल को क्रिएट करूँगा मैं उसे नाम दूँगा काउंटर टू और यहाँ पे इस इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम लोग कॉमा सेपरेटर को यूज़ करके इस दो वेरिएबल को इनिशलाइज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर लिखूँगा काउंटर टू इक्वल टू और मैं इसे इनिशलाइज करूँगा दस पे पर इस कंडीशन पार्ट पे हम लोग कॉमा सेपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे सिर्फ़ एक ही कंडीशन होगा पर यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं पहले पैरथिसिस को यूज़ करके ग्रुप करूँगा इस काउंटर लेस देन इक्वल टू टेन को और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एंड ऑपरेटर और मैं लिखूँगा काउंटर टू इस ग्रेटर देन इक्वल टू वन और यहाँ पर अभी इस कंडीशन पार्ट में हम लोगों ने दो वेरिएबल को यूज़ किया है याद रखिए हम लोग यहाँ पर कॉमर सेपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते है जैसे यहाँ पर इस इनिशलाइजेशन पार्ट पर किया है और अभी इस अपडेशन पार्ट में हम लोग कॉमर सेपरेटर को यूज़ करके मोर देन वन वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंटर टू माइनस माइनस तो यहाँ पे अगर आप लोग अपने फॉर लूप पे मोर देन वन वेरिएबल को यूज़ करके इनिशियलाइजेशन अपडेशन और कंडीशन पार्ट को लिखना चाहते हैं तो आप इनिशियलाइजेशन और अपडेशन पार्ट पे कॉमा सेपरेटर को यूज़ कर सकते हैं पर कंडीशन पार्ट पे आप लोग कॉमा सेपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते पर आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस काउंटर टू के वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे इसलिए मैं लिखूँगा परसेंटेज डी उसके बाद मैं एक और एरो को डालूंगा और यहाँ पे हम लोग काउंटर टू के वैल्यू को भी रेफर करेंगे तो अभी मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले हमारा ये जो काउंटर वेरिएबल को वन पे इनिशलाइज़ किया गया और अपने काउंटर टू वेरिएबल को दस पे इनिशलाइज़ किया गया और उसके बाद डायरेक्टली इस कंडीशन पार्ट पे चेक किया गया यहाँ पे काउंटर इज़ लेस देन आई इक्वल टू टेन ट्रू और काउंटर टू इज़ ग्रेटर देन आई इक्वल टू वन ये भी ट्रू है एंड ऑपरेटर है ये तब ट्रू रिटर्न करता है जब इसके दोनों ऑपरेंट्स ट्रू है तो यहाँ पे इस होल कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया और उसकी वजह से हमारा लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे काउंटर के वैल्यू जो है एक उसके बाद काउंटर टू के वैल्यू जो है टेन और उसके बाद लर्निंग लैड रॉक्स और उसके बाद हमारा अपडेशन पार्ट पे आ जाएगा कंट्रोल यहाँ पे काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया और काउंटर टू के वैल्यू को डिक्रीमेंट किया गया अभी काउंटर वेरिएबल कंटेन करेगा दो और काउंटर टू कंटेन करेगा नाइन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस काउंटर वेरिएबल के वैल्यू मोर देन टेन होता है और इस काउंटर टू के वैल्यू लेस देन वन बनता है तो तभी ये कंडीशन फेल हो जाएगा और हमारा लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा तो इस तरह आप लोग लूप को अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए यूट्यूब चैनल लर्निंग Lad हिंदी पे और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं फेसबुक डॉट कॉम स्लैश लर्निंग हिंदी और फेसबुक डॉट कॉम स्लैश लर्निंग पे